तो गाइस ये मानस है, मैं अंकित हूँ और हमारी रेस लग गई है पिछुआ से छिंदवाड़ा। सबसे पहले कौन पहुँचता है? और अभी निकल गए हैं और शाम के 5 बज गए गाइस। अभी पिछुआ में हम पिछुआ के करीब में ही है। मेरी साइकिल में मटघाट नहीं है ना, तो स्लो ही लेना पड़ता है। ये झंझना के पेल सकते हैं। हाँ तो ठीक है गाइस, अभी तो निकले हैं पिछुआ से छिंदवाड़ा। एवरेज 35 किलोमीटर लगभग में पड़ जाता है और हम दोनों साथ में ही निकले गाइस। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके साथ मैं हूँ, मेरे साथ ही है। हाँ, और मौसम वगैरह तो ठीक ठाक ही लग रहा है, साफ हुआ इसलिए निकले, नहीं तो हम पहले ही निकल जाते गाइस। हमारा प्लान था कि हम सुबह 12 बजे निकले, लेकिन 12 बजे से पानी चालू हो गया, तो अभी 4:30 बजे तक पानी चालू रहा। सफ़र के मज़े हम ले रहे हैं, आप वीडियो के मज़े लो और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बच गए गाइस, गाइस कैमरा बच गया, नहीं बना रहा वीडियो। हाँ गाइस, तू बता, पानी पी लेते? पानी पी लेते। ओके, बहुत दिनों बाद जा रहा है इसलिए जल्दी रुक गए। नहीं तो पहले मैं साइकिल से आता था तो कभी रुकता नहीं था, चलते चलते पानी पीता। क्लिनिक प्लस कहाँ दिख गई? हाँ गाइस, चार्जर क्लिनिक प्लस सब ले घूमता हूँ मैं, बॉटल बैग कपड़े लगते। टावी लाएगा नहीं? लद्दाख जा रहे थे हम साइकिल से। ऊबे का वापस क्रॉस हुए अभी अपन। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर होगा एवरेज। मेरे को क्या दिखा रहा है? वाह क्या मुस्कुराहट है। तो गाइस मानस कह रहा है पेट्रोल भरा लेते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी में पेट्रोल की टंकी चीनी है, पेट्रोल कहाँ से भराएंगे आप बताइए गाइस। बाकी पेट्रोल पम्प क्रॉस हो रहे हैं फिलहाल। फाइनल दोस्तों, लिंगा बाईपास रोड पहुंच गए हैं, 547 और यहां से एवरेज 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर पड़ जाता है। अभी सामने ब्रिज है लिंगा बाईपास। मैं तो घाट चढ़ गया गाइस, पीछे से आ रहा पड़े साहब धीरे धीरे। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अभी यहां रुकते 2 मिनट, पानी वानी पीते, बिना उतरे घाट चढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आफत है गाइस, अब इतनी शौक है साइकिल चलाने का, बहुत भयंकर। पहले मैं आया करता था पड़े साहब, अभी दूसरी बार आ रहे हैं। वैसे साइकिल भी ठीक ठाक होनी चाहिए। पड़े साहब कमिंग सून। तो गाइस ये जो रोड है वो ROB 226C रोड ओवर ब्रिज है ना, ओनर बाय NGP डिवीज़न सेक्रेटरी SSC वर्क्स छिंदवाड़ा। चले, सूरज भी ढलने में आ गया थोड़ा बहुत। तो ओके गाइस, नीचे जाके या छिंदवाड़ा रूम पहुंच के मिलते हैं, या तो फिर वो चंदनगांव वाली, जो चंदनगांव नहीं वो कमलनाथ भाई साहब रहते, वो कौन सी ब्रिज है? छिंदवाड़ा, वेलकम टू छिंदवाड़ा ब्रिज। हाँ, वेलकम टू छिंदवाड़ा ब्रिज में मिलते हैं फिर से। कि अभी तो यहाँ से उतार रहे तो झंझनाते हुए जाएंगे फुर्सत में। अभी जो रहा मेरा बैग इसको पहन लेते हैं, और जो रही मेरी साइकिल इस पर बैठ लेते हैं। ये गाइस, थैंक यू गाइस, ये गाइस ये छोटा सा पंखा। तो ओके फाइनली गाइस पहुंच गए हम रूम, हम मतलब मैं और मानस और प्रतुम और रजत तो पहले से ही थे। ओ या अपने रिश्तेदार कहीं आएंगे तो अपन नहीं जाने के, लॉन ऑन घर बना के खाएंगे। पहला ही दिन है छिंदवाड़ा में रुकने का, लॉन चले, अब कुछ बना के खा लो बे। फ्रेंड्स ये हमारा किचन है और अभी तो कुछ खाना बना नहीं है, कुछ बना है शायद। अबे साफ करके तो रखा करो बे, अंदाज़ मत।
अबे संडास नहीं कुकर। फ्रेंड्स हम 5 बजे निकले थे तो 7:30 तक टच होगा एवरेज, मतलब 2.5 घंटा लग गया है। थोड़ा भी लग गई है भूख, बट चोपो में तो कुछ बना के रखा नहीं है कलाकार ने, बोलना चाहिए। गाइस मैं मठा का पैकेट लेके आता हूँ फिलहाल तुरंत, और बनाते मठा और पुलाव। ये लो तुम्हारा मठा आ गया, 2 पैकेट ले आया मैंने। क्या वो पैकेट बाहर से किन्ने लगाया रे? चोपो तुम लगाया क्या? यहाँ तो बन रही है फिलहाल। अब कड़ी कायम बनाएंगे इसमें, पहली पहली बार है गाइस तो थोड़ी दिक्कत तो जाएगी फिलहाल। और तू तो सजना सवरना बर्तन ना घसने के लिए एक ही में खा रहे गाइस। तो गाइस हमारा बिस्तर लग चुका है, पड़े साहब सो भी लिया है और फिलहाल हम भी सोते हैं। ओके गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, गुड नाइट, मिलते हैं गुड मॉर्निंग में। ओके गाइस गुड नाइट, बाय।